क्या नाम है चुन्नू जो खादिम कत्ता अपहरण केस का अभियुक्त था वो है, उसके साथी लोग हैं। ये लोग चाह रहे हैं किसी तरह क्या नाम है हमको हमारे इमेज को ख़राब करने के लिए। और ये किया शत्रुघ्न सीपीएम का प्रार्थी, वो देख रहा है कि हार जाएंगे तो तीसरा बार हारेंगे तो इसके लिए उसको सहारा ले रहा है, बोलते डूबता है तिनका का सहारा लेता ना, तो सहारा ले रहा है। वो चुनावी मैदान में ज़ीरो हो गए हैं, तो इन सब जिसको बोलते बेहुदा हथकंडे अपना करके वो सोच रहे हैं कि पब्लिक सिंपैथी गेन करेंगे, एडिट करके मॉर्फ करके और ख़ास कर डेढ़ साल पुरानी वीडियो को अभी ला करके इसको इस तरह से एक तो इलेक्शन प्रोपागेंडा बनवाना, इससे साफ पता चलता है कि सामने जो लोग इसमें शामिल हैं उनका एक वन पॉइंट एजेंडा है कि किसी तरीके से जावेद खान को बदनाम किया जाए और इलेक्शन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस किया जाए। इस वक्त हम लोग हैं कस्बा विधानसभा क्षेत्र के टीएमसी कैंडिडेट जावेद अहमद खान, जो राज्य के मंत्री भी है, आप सभी ने देखा कि एक वायरल वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया में जिसमें दिखाया जा रहा है कि कुछ लोग लाखों रुपए बांट रहे हैं और ये उसमें वीडियो में बताया जा रहा है कि ये पैसा जावेद अहमद खान के ओर से वोटरों को लुभाने के लिए बांटा जा रहा था। मेरे सामने खुद टीएमसी के नेता और राज्य के मंत्री जावेद अहमद खान है और इस वीडियो के पीछे की क्या कहानी वो हम उनसे खुद बात करें। सर ये वीडियो में जो दिख रहा है क्या है? ये पुराना वीडियो है, एक डेढ़ साल पहले का, ये हमारा नहीं है। ये एक एक्सपोर्टर है, तुपसिया में रहते हैं, उनका पार्टी लोगों उनका एक्सपोर्ट होता है चमड़ा का, वो पार्टी लोगों को पेमेंट कर रहे हैं उनका है। हमको भी पता नहीं था, हमने वीडियो देखा तो हमने कॉन्टैक्ट किया था उनको, वो ऑलरेडी जो चैनल में चला उनको नोटिस दिए हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे हैं, इससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। और ये अभी का भी वीडियो नहीं है, एक से डेढ़ साल पुराना है, तो ये इलेक्शन से कोई इसका मतलब नहीं है। और जो लोग बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, शत्रुघ्न घोष और उनके दोस्त जो कर रहे हैं इसके पीछे में, ख़ास क्या नाम है चुन्नू जो खादिम कत्ता अपहरण केस का अभियुक्त था वो है, उसके साथी लोग हैं। ये लोग चाह रहे हैं किसी तरह क्या नाम है हमको हमारे इमेज को ख़राब करने के लिए, तो ये हो नहीं सकता। हमने इलेक्शन कमीशन को भी जना दिया है, हमने ऑब्जर्वर को भी बता दिया है और हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमने जुगाड़ किया है, जो लोग हैं वीडियो में उनका नाम टेलीफोन नंबर सब जुगाड़ किया, आपको भी हम लोग भेज देंगे उनके पास, आप जाकर उनसे इंटरव्यू लीजिए, वो अपने जवाब देंगे, इससे हमारा कोई लेन देन नहीं। ये इलेक्शन में फेक न्यूज़ क्रिएट करके हमारे छवि को ख़राब करने की कोशिश की गई है, हम लोग इसके ख़िलाफ़ एक्शन भी लेंगे, लीगल एक्शन भी लेंगे। इलेक्शन पीरियड चल रहा है, कुछ अगले महीने ही इलेक्शन है, अगर ये एक साल पहले का वीडियो है तो अभी ये क्यों छोड़ा जा रहा है, क्या लगता है? छोड़ा जा रहा है एक ही मकसद, वोट ख़राब करने के लिए, मेरा वोट ख़राब करने के लिए, और क्या मकसद हो सकता है? आज ये जो वीडियो है इससे हमारा कोई रिलेटिव नहीं, हम ना मेरे ऑफिस का है, ना मेरे हमरे लोग हैं, ना हम किसी को वो जानते हैं, तो उपसे के लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वो लोग अपना एक्सप्लेनेशन देंगे कहाँ से क्या किए नहीं किए। और इसको यूज़ किया गया है फेक न्यूज़ के हिसाब से बदनाम करने के लिए, वोट ख़राब करने के लिए। और ये किया है शत्रुघ्न सीपीएम का प्रार्थी, वो देख रहा है कि हार जाएंगे तो इसको तीसरा बार हारेंगे तो इसके लिए उसको सहारा ले रहा है, बोलते डूबता है तिनका का सहारा लेता ना, तो वो सहारा ले रहा है, तो किसी तरह जावेद खान को बदनाम किया जाए। अभी पर्सनल अटैक कर रहा है, जावेद खान गुंडा है, मैंने किसको मारा, एक थप्पड़ भी मारा है, उसके नाम में 8 केस है, 7 केस है, 5 केस है, मेरे नाम में तो 1 केस भी नहीं है, तो हम किसको मारा है या हमने क्या गुंडा मुँह किया वो बताएं ना। तो आज ये जो राजनीति जो चल रही है वो राजनीति एक ही है, कुछ लोग जिनका काम हो गया है कि क्या नाम है यहाँ गुंडा राज कायम करने का, पहले भी किए हुए थे, वो लोग ही चेष्टा कर रहे हैं कि फिर यहाँ गुंडा मुँह फिर से हो, जावेद को क्या नाम है तकलीफ़ में डाला जाए, परेशानी किया जाए, लेकिन वो कुछ नहीं होने वाला। इस बार आपके जो यहाँ इलेक्शन लड़ा जाए थर्ड टाइम, इससे पहले आप बालीगंज के विधायक थे, तो ये तीसरा बार है, मुद्दे क्या है आप? चौथा बार है बालीगंज में, एक दफ़ा दो दफ़ा कस्बा में जीते, तीसरा दफ़ा कस्बा। मुद्दा यहाँ जो है हम लोग डेवलपमेंट का मुद्दा लेके जा रहे हैं, हम लोग ने क्या काम किया है, लॉकडाउन में हम लोग कहाँ थे पब्लिक के पास, हम लोग क्या नाम है अम्फान में हम लोगों ने क्या काम किया, इलाके के लिए काम क्या है, इस हम लोग लेके जा रहे हैं। और जो लोग 2016 में शत्रुघ्न घोष बोला था हम हार गए हैं लेकिन हम इलाके के लोगों कस्बा के लोगों के साथ रहेंगे, 5 साल उसको खोज के नहीं मिला, ना वो कोई काम किया। और सीपीएम वाले तो ऐसे भी झूठे हैं लोग, कोई काम 34 साल जिसने नहीं किया तो 5 साल क्या करेगा। दूसरा है कि बीजेपी के जो प्रार्थी हैं वो डॉक्टर हैं और वो क्या नाम मैंने कोई आज सामाजिक कोई सोशल वर्क के हिसाब से कोई काम उनका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं। और लोगों को पब्लिक यहाँ पूछ रहा कि हम लोगों क्या क्या नाम महेश तल्ला जाना होगा साइन कराने के लिए,
तो कस्बा विधानसभा के लोगों से जावेद अहमद खान क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि भाई हम लोग ने काम किया है, आपके साथ थे, अभी भी हैं, रहेंगे भी। तो आप लोग, अगर आपके साथ हम लोग ने काम किया है, आपके लिए काम किया, आपके साथ हैं, तो आप लोग हमको ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, समर्थन दीजिएगा, वोट दीजिएगा, यही कहेंगे। आपके समर्थन से, आपके वोट से माँ माटी मानुष की सरकार बनेगी, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेगी और बंगाल में बीजेपी को हम लोग दूर भगाएंगे। NRC नहीं होगा, CA नहीं होगा, ममता बनर्जी ने डिक्लेयर किया है, हम लोग उस एजेंडा में कायम रहेंगे। डिजास्टर मिनिस्टर आप थे बंगाल के, डिजास्टर मैनेजमेंट बंगाल के मिनिस्टर थे। बीजेपी का आरोप है कि अम्फान का जो पैसा आया वो आपकी पार्टी ने खा लिया। सुनिए, 26 लाख लोगों का घर तबाह हुआ था अम्फान में। आज हम लोगों ने सबको बैंक अकाउंट में पैसा दिया, बाई बैंक ट्रांसफ़र किया। खाने का पैसा और उड़ाने का पैसा बात नहीं। इतना बड़ा ट्रेजेडी हुआ बंगाल में, 22 डिस्ट्रिक्ट में, 19 डिस्ट्रिक्ट में अम्फान का कहर मचा, समझे ना। उसमें क्या नाम है, 1.5 करोड़ लोगों को, 1.58 करोड़ लोगों को हमने सेफ जगह में रखा, उसके शेल्टर दिया, उसके बाद उनका घर बाड़ी टूटा। अगर कोई कंप्लेन है कहीं, 2-1% भी कंप्लेन है, तो वो लोग भेजें, हम लोग इंक्वायरी करके देखेंगे और आइन का रास्ता चलेगा, हम लोग एक्शन लेंगे। कोई हमारे लोग होंगे उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा, और बीजेपी के लोग होंगे, CPM के लोग होंगे, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। और काम करने से तो अच्छा और बुरा उठता है, समझे ना। काम करने से तो आप क्रिटिसाइज़ कर सकते, काम नहीं करने से क्रिटिसाइज नहीं। CPM 34 साल तक कोई काम नहीं किया, कोई क्रिटिसाइज नहीं किया उसको, यही कहा। पहले लोड शेडिंग होता था, आज लोड शेडिंग होता है, तो हम लोग काम कर रहे हैं ना। आज अस्पताल का पहले क्या हाल था, डेली IED में बच्चे का अस्पताल में डेली 25 बच्चा मर रहा, 40 मर रहा, 45 मर रहा, 54 मर रहा। आज कोई बच्चा मरता है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, सीटें बढ़ी हैं, बच्चों के लिए डॉक्टर बढ़े हैं, दवाइयाँ हम लोग दे रहे हैं फ्री में। आज वाहिद स्टेट है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल सारे भारतवर्ष में, जहाँ आज के दिन में हेल्थ केयर का जो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं अस्पताल में भी, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो किडनी का हो, चाहे हार्ट का प्रॉब्लम हो, चाहे कोई और हो। ये बताएं, शत्रुघ्न घोष जिनका आपने नाम लिया कि ये जो वीडियो चल रहा है उनका कहीं ना कहीं कारिस्तानी आपका आरोप है, उनको आपने 2011 में हराया, 16 में हराया, 21 में उनके साथ और भी पार्टियों का सपोर्ट है, संयुक्त मोर्चा से वो इस बार कैंडिडेट है, तो इस बार उनके साथ लड़ाई कितना टफ देख रहे हैं? कोई टफ नहीं है। सुनिए, आज शत्रुघ्न घोष को मिला क्यों? क्योंकि CPM का कोई कैंडिडेट नहीं था। आज जिस तरह CPM का क्या है, नीति क्या है, लोग ये बोले कि उन्होंने दो बार आपको फाइट दिया। कोई फाइट नहीं दिया, फाइट देने से तो जीत जाते ना, फाइट क्या दिया। वो तो गए थे 2016 में कि हम हार गए हैं लेकिन हम आप कस्बा के पब्लिक के साथ रहेंगे। कहाँ थे वो लॉकडाउन में? कहाँ थे लॉकडाउन में? BJP वाले कहाँ थे? दूसरे पार्टी के लोग कहाँ थे? हम ही लोग तो थे लॉकडाउन में। आज फाइट उठ का नहीं है, आज हकीकत ये बात है कि आज CPM के पास कोई कैंडिडेट नहीं है। CPM का देखिए अभी भी विमान बस चल रहे हैं, रिटायर होने के बाद भी वो चल रहे हैं। CPM का जो नीति है, पदक त्याग नहीं करेंगे, देह त्याग करेंगे, मर जाएंगे तब पदक चला जाएगा, उससे पहले वो लोग छोड़ने वाले नहीं है, ये लोग चिमट के बैठते। और शत्रुघ्न घोष का भी ये है कि तीसरा बार है, उसके बाद उसका पॉलिटिकल करियर डूम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जावेद अहमद खान, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो वीडियो चल रहा है, इस पूरे वीडियो में ये वीडियो पूरा ही फेक है, अब इसका इलेक्शन 2021 से कोई भी ताल्लुक नहीं है, और ये इनके जो मुखालफीन है, जो सियासी में जो मुखालफीन है, ओपोजिशन के जो लीडर है, उनका हाथ है, और मकसद यही है कि कहीं ना कहीं जावेद खान के इस इलेक्शन को सबोटाज किया जाए। आप सभी इस तरह देखते रहे हालात बंगाल, न्यूज़ टेक इंडिया। वायरल हो रहा है और इसमें ये दिखाया जा रहा है कि जावेद अहमद खान वोटरों को लुभाने के लिए पैसा बांटा जा रहा है उनकी ओर से, क्या कहेंगे? पहली बात तो कहीं जावेद खान को उस वीडियो में देखा नहीं गया, और जो पता चला है आप लोगों के ज़रिए, जिनका वीडियो उन्होंने खुद ही बताया है कि ये वीडियो 1.5 साल पुराना है, तो 1.5 साल पहले तो वोट नहीं हो रहा था ना इलेक्शन हो रहा था, तो उसका इलेक्शन से क्या मतलब है और इसमें क्या सच्चाई है? मैं तो कहूँगा कि प्रशासन और इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करूँगा कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, और जिन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है, किस साजिश के तहत अंजाम दिया है, इस पर प्रॉपर इंक्वायरी हो और उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आप बोले से पहले का साफ पता चलता है कि जो विरोधी दल के जो हमारे कैंडिडेट हैं, उनकी ज़मीन के नीचे से पांव सरक चुका है, हट चुका है,
वो चुनावी मैदान में ज़ीरो हो गए हैं, तो इन सब जिसको बोलते बेहुदा हथकंडे अपना करके वो सोच रहे हैं कि पब्लिक सिंपैथी गेन करेंगे। कौन है यहाँ तो सीपीएम के कैंडिडेट है, भाजपा के भी कैंडिडेट है, तो आपको आपका इशारा किस तरह? अब सीपीएम के कैंडिडेट ने इसको लेकर के ज़्यादा जिसको बोलते हैं कि हाईलाइट किया है, तो जहाँ तक एक जिसको बोलते हैं कि नज़रियात के तहत समझ में आता है कि इसके पीछे उन्हीं का हाथ है। पीरियड में छोड़ने का क्या मतलब, क्या आपके फादर जो इस वक्त टीएमसी कैंडिडेट है उनके इलेक्शन को सबोटाज करना है? बिल्कुल साफ साफ यही लगता है कि एक दो साल पुरानी वीडियो और उस वीडियो का दूर दूर तक जिसको बोलते हैं कि डायरेक्ट कैंडिडेट के साथ कोई लेना देना नहीं, जिनका वीडियो है वो खुद क्लेम कर रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि आइए हम जचाई करने के लिए तैयार हैं, और वो एक यहाँ के मशहूर बिजनेसमैन के फैमिली से हैं और वो कह रहे हैं कि कारोबारी मसरफ़ के लिए जो उन्होंने जो वो वीडियो बनाया था, तो इस तरह के फेक वीडियो को एडिट करके मॉर्फ करके और ख़ास कर डेढ़ साल पुरानी वीडियो को अभी ला करके इसको इस तरह से एक तो इलेक्शन प्रोपागेंडा बनवाना, इससे साफ पता चलता है कि सामने जो लोग इसमें शामिल हैं उनका एक वन पॉइंट एजेंडा है कि किसी तरीके से जावेद खान को बदनाम किया जाए और इलेक्शन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस किया जाए। चलिए मान लेते हैं कि वीडियो एक साल पुराना है, डेढ़ साल पुराना है, लेकिन इतना भारी तादाद में कैश, इसको किस तरह देखेंगे? ये तो भैया जिनका कैश है वही बता पाएंगे। अब उनके पास अगर पैसा अल्लाह ने दिया है या उनके पास अगर उनकी तमाम रसीद या कागजात हैं तो वही बेहतर बता सकेंगे, उसके बारे में तो मैं नहीं बता पाऊँगा। इस बार का चुनाव में आपको आपके फादर को शत्रुघ्न घोष बहुत अच्छा खासा टक्कर दे रहे हैं, लोग ये बोल रहे हैं, 2011 में आपके फादर ने उन्हें हराया, 16 में हराया, क्या लगता है तीसरी बार क्या होगा? देखिए ये तो स्वाभाविक बात है, ये तो जाहिर ही बात है कि जब दो कैंडिडेट आपस में लड़ेंगे तो एक दूसरे को टक्कर देंगे, लेकिन इलेक्शन प्रोसेस टक्कर का नाम नहीं है, इलेक्शन प्रोसेस का मतलब है जीतना। तो दो बार शत्रु हार चुके हैं, इस बार लोग कह रहे हैं कि तीसरी बार उनका हैट्रिक होने वाला। तो 2 मई को हु विल हैव द लास्ट लाफ, लेट अस सी, वी आर होपफुल, हम लोग मैंने कॉन्फिडेंट हैं कि कस्बा के इलाके के जो लोग हैं वो हम लोगों के साथ हैं, हमारे काम और हमारे डेवलपमेंट के जो ममता बनर्जी का जो डेवलपमेंट पूरे सारे बंगाल में और कस्बा के क्षेत्र में हुआ है उसको लेकर के हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और आइंदा आने वाले दिन आवाम इसका जवाब देगी, फैसला सुनाएगी। एक आखिरी सवाल फैज भाई कि ममता बनर्जी इस वक्त जो घायल है, चोटिल, उनके पाँव में प्लास्टर है, दिलीप घोष ने कहा कि उनको उनका जख्म हुआ है बायां पाँव में, वो दायना पाँव में प्लास्टर लगा के घूम रही है, और साड़ी से जिस तरह वो दिखा रही उनको बारमूडा पहनना चाहिए ताकि वो अपना जो घाव दिखा सके, क्या? देखिए दिलीप घोष जिस तरह की बेहुदा बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं उनके इन बातों का जवाब देने का भी मैंने एक महिला मुख्यमंत्री और एक महिला को किस तरह से वो... इस तरह वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक मर्द हो करके इस तरह की बेहुदा बातें अगर किसी औरत के लिए की जाए तो मैं समझता हूँ कि मुझे पहले तो दिलीप घोष की इन सवालों का जवाब देना मैंने ये समझता ही नहीं कि इन बकवास बातों का जवाब दिया जाए। आइंदा आने वाले दिन में बंगाल की जनता दिलीप घोष को बता देगी कौन क्या पहनेगा, ये तो शुरू से ही इनका पार्टी का एजेंडा रहेगा, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, इनको इन सब चीज़ों का फिक्र है, लोगों का आवाम का परेशानियों का कोई फिक्र नहीं है।